तो दोस्तों मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। तो दोस्तों इस बार का जो बोर्ड पेपर कैसा बनेगा, इसमें जो MR सीट है उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट, कितने स्टूडेंट प्रश्न आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों आपको जो OMR सीट है उसे कब भरना चाहिए और कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में जानकारी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार OMR सीट को भर देंगे तो अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज करोगे तो वो गलत माना जाएगा। तो आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से और कब भरना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इस बार से हायर सेकेंडरी, हायर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रत्येक विषय के पेपर में कुल 50 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, जो आपके पेपर में टोटल 50 प्रश्न दिए जाएंगे इस बार, ठीक है। 50 प्रश्नों में यहाँ क्या रहेगा, ये पूर्णांक आपका कितने नंबर का रहेगा दोस्तों, 100 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जैसे कि पहले भी बता दिया गया था कि आपके जो 30% ऑब्जेक्टिव आना है, तो यहाँ पर 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या, 10 प्रश्न के आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे, 10 प्रश्न 3 अंक के और 10 प्रश्न आपको 4 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल हो जाएंगे 50। तो आपको यहाँ पर एक बार और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है कि आपको जो 5 और 6, बहुत सारे डाउट हो रहे थे कि 5 6 के आएंगे क्या, तो दोस्तों क्लियर है, आप दोबारा से क्लियर हो गया है कि 10 नंबर जो 3 अंक और 4 अंक ही आएंगे। इसके बाद दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको जो पहले 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR सीट पर करने होंगे, जो आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो जो आपकी OMR सीट दी जाएगी उसमें ही आपको करना होगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे हल करना होगा, अगर आपकी एक बार गलत हो जाते हैं तो आप दोबारा से इसे सही नहीं कर पाओगे, तो अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होगा। इसके बाद जो आपके दोस्तों गणित विषय की परीक्षा लास्ट में, सबसे लास्ट में ली जाएगी, जो आपके गणित का पेपर है तो वो दोस्तों सबसे लास्ट में लिया जाएगा। और हाई स्कूल के 10 व हाई सेकेंडरी की 24 विषयों के प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आप गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न बोर्ड की प्रश्न बैंक से ही आएगा। दोस्तों आप जो तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से भी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द आपको 10th और 12th के फुल सॉल्यूशन की PDF हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसके लिए टाइम लगेगा, कम से कम 12 से 25 दिनों का टाइम लगेगा, और आपको फुल सॉल्यूशन के साथ हम PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसके साथ हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप इस OMR सीट को कैसे भरेंगे। दोस्तों OMR सीट को भरने के, अगर आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से 20 सही तरीके से आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप 20 पहले भर लीजिएगा OMR सीट पर। इसके बाद आपको 10 नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, कहीं आपको पीछे से कहीं मदद हो जाए तो आप वहाँ से भर सकते हैं, लेकिन आपको ये छोड़कर नहीं आना। लास्ट टाइम पे आपने, आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप फिर उसे खाली छोड़कर नहीं आएंगे, वो भरकर ही आएंगे। तो आपके 30 वस्तु जो आपके 10 नहीं रह रहे हैं, तो उनमें तुक्का करके मान लो 3 या 4 सही भी हो जाते हैं, तो आप मतलब कि OMR सीट को कभी पहले फुल ना भरें। अगर आपको आ रहा है तो आप भरें, ठीक है, फुल आपको उस 30 वस्तु अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल भरें, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उससे ट्राई मतलब ना करें, कहीं से आपको हेल्प मिल सकती है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से OMR सीट को भरना होगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।